मैं एनडीए के हमारे सम्मान्य साथी, शिवसेना के हमारे नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से आग्रह करूंगा कि वो भी प्रस्ताव का अनुमोदन करें। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज का ये ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर राजनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है वो मैं हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। और पिछले 10 सालों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का विकास किया, इस देश को आगे बढ़ाया, इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और एक हमारे देश को एक नई पहचान बनाने का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया है। और इसलिए कितने भी विपक्ष वालों ने, जब अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा कि यहां वहां जो गए हैं उनका क्या होने वाला है, उन्होंने कहा है, और कितना भी झूठे नैरेटिव, झूठी अफवाहें फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये झूठे नैरेटिव और झूठी अफवाहें फैलाने वाले को देश की जनता ने नकारा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकारा है। उसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पर हमारे सभी उपस्थित नेतागण है, नड्डा जी है, राजनाथ सिंह जी है, अमित भाई है, हमारे आदरणीय अजीत दादा जी है, वहां अभी सभी महानुभव है, एक्स सीएम है, वहां हमारे चंद्रा बाबू जी है, नीतीश कुमार जी है और सभी मान्यवर और सभी इस सदन में उपस्थित फिर से सांसद बने हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। शिवसेना के बारे में इतना ही मैं कहूंगा कि यह शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक समान विचारधारा वाली पार्टी है। बाबा साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। और लोकसभा के चुनाव में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत की है, जो सभाएं ली है, जो उनकी जादू है, वो जादू इस बार फिर लगातार तीसरी बार इस देश ने देखी है और इसलिए उनको मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए शिवसेना पार्टी की ओर से हृदय से मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और सिर्फ इतना ही कहूंगा उनके लिए, मैं उन्हें चार पंक्तियां पेश करना चाहता हूं आपकी इजाजत से। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैं मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और दस साल जो काम किया है उसके गवाह सब है और इसलिए लोगों ने विकास को महत्व दिया है और जो विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति करते थे उनको उनके घर पे बिठा दिया है। और फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी हैट्रिक करेंगे, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।